अभिषेक घोसाळकर हत्या प्रकरण के प्रत्यदर्शी आणि अभिषेक घोसाळकर के जवळ के मित्र लालचंद पाल सध्या आमच्या सोबत आहे। लालचंद जी, कल क्या घटना हुई थी? आप खुद अभिषेक घोसाळकर के साथ में थे, मॉरिस के ऑफिस में क्यों पहुंचे थे, किसने बुलाकर लेके गए थे और क्या कुछ हुआ बताइए। आईसी कॉलोनी बोरेली के अंदर हमारी शाखा है अभिषेक घोसाळकर जी क्या, उनके यहाँ मैं साथ में रहता हूँ। अभिषेक सर कर कुछ 6:15 बजे ऑफिस पे आए और उसके बाद हम लोग खड़े थे ऑफिस पे, उसके बाद मॉरिस के यहाँ जाना था तो सर फ़ोन पे बात करते करते और मॉरिस के ऑफिस में गए, फिर उसके बाद हम लोग भी वहाँ पे मतलब साथ में एक दो जन गए। तो जब अभिषेक सर गए तो मॉरिस मिला और हाथ मिला और अंदर बैठाया, तो मैं अंदर जाने की कोशिश किया तो मॉरिस ने बोला नहीं आप लोग जरा प्लीज़ बाहर खड़े रहिए। बोला ठीक है, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं है, बाहर खड़े रहते हैं। तो कुछ 15-20 मिनट हुआ, फिर मॉरिस बाहर निकल के आया तो मैं बोला सर क्या बात है, टाइम लगेगा क्या? तो बोलते नहीं आप लोग जरा बैठो, मैं फेसबुक लाइव चालू किया हूँ, थोड़ा होने दो, फिर आप उनका कार्यक्रम करना है। बोला ठीक है। फिर 5-10 मिनट रुके, फिर वो आया मॉरिस नरोना, तो बोलता नहीं मेहुल को आने दो, मेहुल आने के बाद अपन कार्यक्रम करते। तो इतने 5 मिनट में ही मेहुल आया वहाँ पे, तो मेहुल से पूछा भाई क्या बात है, कब तक कर रहे हो कार्यक्रम? तो मेहुल बोला भाई मुझे कुछ पता नहीं है। और मेहुल 10 मिनट था और 10 मिनट के बाद वहाँ से मेहुल शायद साइड में हो गया, निकल गया। फिर भी अभिषेक सर अंदर ही बैठे, फिर भी हम लोग कार्यकर्ता हमारे जो बैठे थे हमारे ऑफिस में कुछ मीटिंग था, तो मैं अभिषेक सर को कॉल किया तो उठाए नहीं। तो फिर मैं गया वहाँ पे अंदर, अंदर जैसे भी दरवाज़ा खोला तो ये लाइव चालू करके कुछ वीडियो बना रहे थे मॉरिस और अभिषेक सर। ठीक है, मुझे मॉरिस बोला जरा 5 मिनट आप रुक जाओ, हम लोग आ रहे हैं। बोला ठीक है, नो प्रॉब्लम। मैं आया, बाहर खड़ा था, रोड क्रॉस करके जैसे ही मैं आया, समझो करीबन 7-7:15 का दरमियान है, उसी बीच में गोली की फायरिंग हुई, फायरिंग का जोर से आवाज़ आया और फायरिंग आवाज़ आने के बाद ग्लास कांच का टूटा। तो मैं दौड़ के देखने गया तो मैं देखा तो मॉरिस नरोना के हाथ में पिस्तौल थी और अभिषेक सर दरवाजे के से आए और फुटपाथ मतलब दरवाजे के बाहर ही गिर गए और देखा तो ये पिस्तौल ऐसे खींच रहा। तो मैं डर गया और ज़ोर से चिल्लाया, मेरे कार्यकर्ता और जो भी हम मेरे चेतन भाई वहाँ पे प्रवीण मिश्रा उनको बुलाया, तुरंत हम लोगों ने ऑटो किया, ऑटो करने के बाद उनको उठाया अभिषेक सर को और मुँह से ब्लड उनको आने लगा और गोली लगी थी और तुरंत हम लोगों ने करोना में ले गया। चेतन भाई प्रवीण ने आगे वाली रिक्शे में गया, फिर मैं पीछे से दूसरे रिक्शा में गया। वहाँ जाने के बाद हम लोग फिर आए तो पुलिस आई यहाँ पे, तो बोलती कि नरोना जो भी किसी क्या हुआ आगे का मुझे पता नहीं है, लेकिन हमारे सर के साथ गलत हुआ ही है। एक चीज़ मुझे बताइए, मॉरिस अभिषेक घोसाळकर को मॉरिस के ऑफिस में किसने बुलाया और क्या कहकर बुलाया? कहा जा रहा है कि कुछ साड़ी बांटने का भी कार्यक्रम था। जी, सही बात है। करीबन दोपहर को 10:40 में मुझे अभिषेक सर का फ़ोन आया था कि मॉरिस का फ़ोन आया है लालचंद और आई शाम को कुछ कार्यक्रम करना है, तो एक काम करो तुम गणपत पाटिल नगर में हो वहाँ के कार्यकर्ता को लेके अपने आईसी वाले ऑफिस पे आ जाइए, फिर अपन चलते हैं मॉरिस के ऑफिस पे। तो मैं जैसे ही जब आया यहाँ पे तो हमारे कार्यकर्ता हमारे ऑफिस में बैठे थे, इन्होंने बोला था कि मुझे कार्यक्रम करना है अभिषेक के सर के साथ में मिल के, ये चीज़ उन्होंने पक्का बोला था, अभिषेक सर मुझे कॉल करके बताए थे। अब उसने बैठाने के बाद वहाँ इंटरव्यू लेने के बाद धोखे से जो किया है ये गलत किया है। जो फायरिंग हो रही थी तो पिस्तौल जो पिस्टल था वो मॉरिस अपने जेब में रखा था या फिर किसी और ने उसको लाके दिया? अंदर बैठे हुए थे जब पिस्तौल का आवाज़ आया, आवाज़ जोर से, तो जब मैं आगे बढ़ के देखा तो जो ग्लास था उनका कांच का वहाँ से अभिषेक सर निकले और निकलते ही वो गिर गया और मॉरिस के हाथ में रिवॉल्वर ऐसे करके किया हुआ था। तो मॉरिस ने पहले से ले कर रखा था या किसी अंदर पता नहीं मुझे, क्योंकि अभिषेक सर और मॉरिस अंदर थे ऑफिस में, दरवाज़ा बंद था। अब पहले से था कि बाद में था वो मुझे पता नहीं है, लेकिन जब अभिषेक सर गिरे उनके मुंह से ब्लड आ रहा था, मैं देख रहा हूँ उनके मुंह से ब्लड आ रहा है, वो गिर गए तो मॉरिस के हाथ में रिवॉल्वर थी, इतना मैंने देखा है। घटना के वक्त बताया जा रहा है फायरिंग के वक्त कि एक शख्स और था मेहुल, क्या मेहुल भी फायरिंग के वक्त ऑफिस के अंदर? मेहुल ऑफिस के अंदर नहीं था, मेहुल आया था वहाँ पे 10 मिनट पहले 15 मिनट पहले वहाँ से निकल के साइड कहीं हो गया था, उस समय नहीं था। और बताइए, आप अभिषेक के खास हैं, पहले से दोस्ती आपकी, जब इनका पहले से किसी चीज़ को लेकर विवाद चल रहा था, बातचीत नहीं हो रही थी, तो फिर अचानक दोनों में फ्रेंडशिप कैसे हो गया और फिर एक साथ कैसे आ गए? अभी ये बात में तो मुझे ज़्यादा ही नहीं है, लेकिन बीच में जो ये क्रिसमस का त्यौहार आया हुआ था उसमें मॉरिस ने अभिषेक सर का खुद का एक 2-3 बैनर लगा दिया और लोगों में ये किया कि मैं एक हूँ, हम दोनों जन की दुश्मनी नहीं है, जो भी एक्स वाई जेड समझो ऐसा करके
तो मिला और अभिषेक सर से हाथ वगैरह मिलाया, खुद सॉरी बोला, वो सामने से दोस्ती का हाथ बढ़ाया, तो अभिषेक सर भी सोचे, बोले ठीक है नो प्रॉब्लम यार, समाज सेवा करना है, मिल बांट के करते, यही सब रीजन ही है अभी। लेकिन इसके पीछे उनकी जो ये नीति थी ये गलत थी। इसके पहले भी मॉरिस ने कभी अभिषेक को धमकी दिया था मारने के लिए, या कभी इस तरह का आप लोग को शक हुआ था कि ये फायरिंग कर सकता है? ये सबका शक नहीं था। और फेसबुक पे कुछ कमेंट वगैरह उल्टा सीधा हमारे साहब के बारे में, हमारे मैडम जी जो नगर सेविका है माजी, उनके बारे में किया हुआ था, उसके बारे में शायद उनके ऊपर FIR भी है। मॉरिस क्यों बार बार इनके बारे में कमेंट करता था, और कितने दिनों से अभिषेक घोसालकर और मॉरिस के बीच में ये चल रहा था? अभिषेक सर जो है IC कॉलोनी के अंदर इनकी राजनीतिक छवि जो बहुत अच्छी है, और समाज सेवक में एकदम सबसे स्ट्रांग है ये, इनका वर्चस्व बहुत अच्छा है। और ये भाई को भी कुछ ऐसा लगने लगा कि नहीं, अभिषेक सर का नाम ज़्यादा हो रहा है और इनको भी पॉलिटिक्स में थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा था, मुझे ऐसा लगता है। अब वही हो सकता है, बाकी तो मैं कुछ अंदर की ज़्यादा बता नहीं सकता हूँ। आप पूरी रात पुलिस स्टेशन में थे, इस मामले में अब तक पुलिस ने कितने लोगों को डिटेन किया है, और क्या लगता है और कितने लोग शामिल हो सकते हैं, क्योंकि आप हर पल हर जगह अभिषेक के साथ रहते हैं तो आपको ज़्यादा जानकारी होगा, क्या लगता है और कितने लोग इस मामले में शामिल हो सकते हैं, और कितने लोगों को पुलिस ने? पुलिस हमें कुछ 9 बजे पुलिस चौकी गया हूँ, मेरा स्टेटमेंट लिया गया वहाँ पे, सारी रात में 5-5:30 बजे तक चौकी में था, लेकिन वहाँ के पूरे क्राइम ब्रांच के DCP बाकी जितने भी हैं सब अपना अपना काम कर रहे हैं। मेहुल को रात को अरेस्ट किए हैं और कहीं उनकी आगे की जांच चालू है, अभी तक बाकी का कुछ मुझे ज़्यादा इसकी जानकारी नहीं मिली है, लेकिन मुझे हम लोग को आश्वासन है कि पुलिस इसकी अच्छे से छानबीन करेगी और इसका निश्चय पता लगाया जाएगा। एक चीज़ और बताइए, जब फेसबुक लाइव चल रहा था तो किन बातों की चर्चा करने के लिए वहाँ पे बुलाया था, और उस वक्त तक जो मॉरिस के ऑफिस के पास कितने लोग थे? मॉरिस के बाद ऑफिस के बाद जब जिस समय मॉरिस और अभिषेक सर अंदर बैठे थे, वहाँ पे 15 से 16 लोग रिक्शे वाले ऑटो रिक्शे वाले उनके ऑफिस के यहाँ बैठे थे, और एक दो जन आए थे और लेकिन आए और चले गए, और बाकी उनके अलावा नहीं, हम लोग थे। हम लोग रोड के बाहर मतलब आगे पीछे वहाँ दिख रहा है, वहाँ पे कैमरा भी लगा हुआ है, उनका कैमरा बाजू बगल में भी कैमरा है लगा हुआ है। हम लोग नहीं, बस खाली ये मुझे था कि मुझे लेट हो रहा है, मैं फ़ोन भी कर रहा हूँ, और मेरे साथ में एक लड़का रहता है प्रवीण मिश्रा करके, वो भी जाके एक बार दो आए, उसको भी बोले कि 5-10 मिनट और 5-10 मिनट कर करके ऐसा करके आधा घंटे तक ही हो गए, और उसके दरमियान बीच में लाइट भी गई थी वहाँ 5 मिनट के लिए, लेकिन लाइट जैसे ही आई वैसे 5 मिनट के बाद ये कांड गोली का हुआ है जो फायरिंग हुई है। ये लास्ट सवाल रहेगा मेरा, कितने मिनट तक वो फेसबुक लाइव हुआ था, और जब फेसबुक लाइव हो रहा था तो उस समय जो मॉरिस था उसका हाव भाव कैसा था? मतलब वो कहा जा रहा है कि बार बार उठकर बाहर आ रहा था, तो क्यों आ रहा था और बाहर आकर क्या कर रहा था? क्योंकि मैं भी वहाँ दरवाजे पकड़ा था, जब अभिषेक सर अंदर थे और मॉरिस अंदर था, तो 3 बार बाहर आया वो, तो कुछ रिक्शे वाले जैसे हम बाहर बैठे थे उनके दरवाजे पे, वो लोग आपस में बात कर रहे थे, तो उनको ये कह रहा है भाई आप लोग आवाज़ मत करिए, मेरा लाइव चालू है यहाँ पे, तो मैं भी उनको बोला भाई ठीक है लाइव अच्छी बात है कर रहे हैं, अभी मैं तो अब पता नहीं है लाइव किस चीज़ बारे में कर रहे हैं, लेकिन बाद में सब पता चला कि आप मिलजुल के समाज सेवा करेंगे ये सब के बारे में ही लाइव कर रहे थे, बोला ठीक है नो प्रॉब्लम कर रहे हैं अच्छी बात है। लेकिन जब ये घटना आवाज़ आया तब मुझे अलग एकदम लगा कि ये तो बहुत बड़ा हमारे साथ गलत और धोखा हो रहा है। अब अभिषेक को कहाँ कहाँ गोली लगी थी जब आपने देखा था? देखिए मैं अंदर तो नहीं था, लेकिन उनको जब फायरिंग का आवाज़ आने के बाद उन्होंने कांच का दरवाज़ा था वो टूटा हुआ है, उन्होंने जस्ट अभिषेक से बाहर पहले आए, उसके पीछे मॉरिस था, और अभिषेक जैसे दरवाजे से बाहर निकलते हैं उसे गिर जाते हैं, और उसके पीछे मॉरिस रिवॉल्वर लेके यूँ खड़ा था, ये तक मैं देखा हूँ। गिरने के बाद भी गोली मारा? हाँ मर गया, लेकिन उसमें नहीं थी गोली, नहीं थी फायरिंग ये किया लेकिन उसके अंदर गोली नहीं थी, तब गोली खत्म हो चुकी थी। 3 गोली अंदर मारते हुए दिख रहा है, 4 गोली तीन चार गोली और गोली खत्म होने के बाद भी वो फायर यूं कर रहा है, लेकिन उसमें गोली नहीं थी इस समय। बाद में जब हम लोग रिक्शे से आवाज़ किया, मैं डर गया वहाँ पे, लोगों को बुलाया, जब रिक्शे से गया तो मॉरिस सीढ़ी की तरफ से कहीं और हो गया। मॉरिस ने खुद को भी गोली मारा था? वो सब नहीं देखा है हम लोग, वो पुलिस बता रही है, लेकिन हम लोग ने नहीं देखा है अभी तक उस चीज़ को। घटनास्थल पे तो थे ना अब जब गोली चली थी? जब हम अभिषेक सर को लेके हॉस्पिटल चले गए, अब उसके बाद क्या हुआ हमें पता नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद सर तुमचा। कैमरामैन प्रेम आत्रेसह गोविंद ठाकुर, TV9 मराठी, मुंबई।
हे आहे देशातील नंबर वन न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।